तो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम आने में अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसके स्पॉयलर्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से भी पहले आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने सही कहा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से भी पहले एवेंजर्स एंड गेम के स्पॉयलर आ गए हैं, और ये स्पॉयलर दिए है हमारे स्पॉयलर देवता मार्क रफेलो ने। स्पॉयलर मैन के अलावा यानी स्पाइडरमैन के अलावा हल्क यानी मार्क रफेलो भी एक ऐसे आदमी है जो स्पॉयलर देने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो इन्फिनिटी वॉर तो क्या है, एवेंजर्स एंड गेम को भी नहीं छोड़ते स्पॉयलर देने में, यहाँ तक कि उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम का स्पॉयलर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के रिलीज होने से पहले ही दे दिया। तो क्या है वो स्पॉयलर, चलिए जानते हैं। पिछले साल यूएसए टुडे ने एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया था जिसमें आए थे मार्क रफेलो। अब मार्क रफेलो आए और स्पॉयलर ना दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो इंटरव्यू में कुछ उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दे दिया जो सबको हैरानी कर दिया। उन्होंने कहा कि अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में उन्हें यानी कि हम लोगों को हल्क और रॉकेट रकून की दोस्ती देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी गहरी दोस्ती होगी। इस पे लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा था अपकमिंग एवेंजर्स मूवी, और ये जो डायलॉग उन्होंने कहा था या कहे ये जो स्पॉयलर उन्होंने दिया था, वह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के रिलीज से पहले दिया था। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में तो हम लोग को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ना ही हमें हल्क और रॉकेट रकून की इंटरेक्शन देखने को मिली, ना ही हमें ब्रूस बैनर और रॉकेट रकून की इंटरेक्शन देखने को मिली। तो अब ये कहा जा रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम में जो हल्क है यानी जो प्रोफेसर हल्क है, उसकी काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो सकती है रॉकेट रकून से। और दोस्तों ये हो भी सकता है, क्योंकि रॉकेट रकून ने अपने सारे दोस्तों को खो दिया, और तो और उसका जो साथी था, उसका बेस्ट फ्रेंड था ग्रूट, वो भी उसके सामने से चला गया था थानोस के डेसिमिनेशन की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कुछ समय बाद रॉकेट और हल्क या कहे प्रोफेसर हल्क काफ़ी गहरी फ्रेंडशिप डेवलप कर ले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये जो स्पॉयलर मार्क रफेलो ने दिया है, यह सही है कि गलत है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और क्या आप लोग रॉकेट रकून और हल्क की दोस्ती देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।